आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर स्लीव्स यानी कि 23 इंच इसकी लंबाई है। हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब ऊपर की साइड हमने इसको 10 इंच। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे डेढ़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर स्लीव्स। तो ये हमारा कपड़ा है, तो इसकी लंबाई है 23 इंच यानी कि 23 इंच इसकी लंबाई है। तो हमें इसे यहाँ पे निशान लगाना है। 10 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसको हमें डबल करना है। अब यहाँ पे 3 इंच लेंगे, जो खुली वाली साइड है वहां पे निशान लगाएंगे 3 इंच। अब इसको हम ऊपर की साइड ले जाएंगे बाजू की कटिंग के लिए इस तरीके। हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम मोरी का। तो यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं काटना है, 1.5 इंच काट लेंगे। इसको हम इस तरीके से निशान लगा। अब ऊपर की साइड हमने इसको 10 इंच छोड़ा है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। अभी हमने 1.5 इंच के निशान लगा दिए। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे 1 इंच से थोड़ा सा कम।
अब देखिए हमने इसको 5 सिलाई लगा ली इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम अच्छे से फ्रेस लगा लेंगे। इससे ये पट्टियां दब जाए अच्छे से लगा लेंगे फ्रेस। अब देखिए हमने अच्छे से फ्रेस लगा लिए। अब इसको डबल करके निशान लगा लेंगे। अब दूसरा निशान रहेगा हमारा 2 इंच पे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसको ऊपर के साइड इस तरीके से। ये हमारी जो प्लेट है इसको ऊपर के साइड लगाना है सिलाई। प्लेट को हमें ज्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा ही 1/2 इंच दबाना। एक सिलाई और लगा देंगे इसके ऊपर। अब हमने 2 इंच पे निशान लगाया, इसको हम नीचे की साइड। अब हम इसको नीचे की साइड दबाएंगे। इसको हम नीचे की साइड दबाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम ये कपड़े को इस तरीके से दबाएंगे। दोनों साइड हमने इसी तरीके से दबाना है। अब इसको हम यहाँ से डबल कर लेंगे। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा गोलाई में कटिंग कर लेंगे।
पर थोड़ा सा आधा इंची गोलाई में कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग के लिए हमें एक कपड़ा लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब हम यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे पट्टी की चौड़ाई, जिसपे हम तुरपाई कर लेंगे अंदर की साइड दबा। यहाँ पे कट लगाना जरूरी है। अब इसकी हम पाइपिंग बना लेंगे। अब ये पट्टी को अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे सुई की मदद से। अब इसके ऊपर हम मोती लगाएंगे। यहाँ पे बीच में मोती लगाना है।
दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरी साइड डिजाइन बना ली है और यहाँ पे अब पाइपिंग लगानी है। अभी हमारी दोनों बाजुओं में डिजाइन बन गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।